समस्या आ रही है। कल हमने तीन फॉर्मूलेस पढ़े थे सम ऑफ एन एपी में, ओके तो एक बार तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। और अभी जो डे एट और डे नाइन हम पढ़ेंगे वो तीनों फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपका, एस एन इक्वल टू, आपका फर्स्ट फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। फिर हमने सेकंड पढ़ा था एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए प्लस ए एन, और थर्ड हमने पढ़ा था एन बाई टू ए प्लस एल। ये तीनों फॉर्मूले एक ही है बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स हुज एपी इज गिवन लाइक दैट ए एन इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स एन। तो जब भी आपको ऐसा गिवन होता है ए एन इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स एन, तो हम क्या करते हैं एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करें। ए वन कितना हो गया, फाइव माइनस 6 into 1 कितना आ गया, माइनस 1। ऐसे ए एन कितना हो जाएगा, आपको ऑलरेडी गिवन है 5 माइनस 6 एन। आपको क्या निकालना है, एस एन, एन क्या होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन। हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तीनों फॉर्मूले आपको क्वेश्चन को देख के यूज करना है कि फर्स्ट यूज करना है, सेकेंड यूज करना है या थर्ड यूज करना है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, आपको ए करना है तो आपको फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, ए वन चाहिए, तो हमने ए वन निकाल लिया, ए एन हमको पता है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल एन बाई टू, यहाँ पर आपका कितना आएगा माइनस वन, ठीक है, प्लस फाइव माइनस सिक्स एन, इसको इक्वल करेंगे एन बाई टू, अंदर कितना बचेगा फोर माइनस सिक्स एन, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा n, अगर इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अपना, n ब्रैकेट 2 माइनस 3 n, ब्रैकेट ओपन करके क्या मिलेगा अपने को 2n माइनस 3n स्क्वायर, ये आपका आंसर। कोई डाउट, कोई शक, अगर डाउट है तो 0 टाइप करो, 1 टाइप करेंगे आपको जरूरत होगा, इसमें अगर डाउट है तो आप लोग जीरो टाइप कर सकते हो, नो डाउट्स, आगे चलें, गुड। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ के देखो, ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने एपी में स्टार्टिंग में किए थे, डे टू में, डे थ्री में, डे फोर में, डे फाइव में, है ना, नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 6, पहले हमको नंबर आइडेंटिफाई करने हैं, नंबर आइडेंटिफाई करने हैं, सम निकालना है, जैसे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। तो 1 से लेके 100 के बीच में कौन कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं, तो पहला नंबर कौन सा आएगा आपका 3, और लास्ट नंबर आपका कौन सा आएगा 99। इसका मतलब हमारा ए वन कितना हो गया 3, हमारा लास्ट नंबर कौन सा हो गया 99। हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस लास्ट। अब हमको एन का वैल्यू कैसे मिलेगा, ये एल जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्हाट इज ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी, यहां से हमको क्या मिलेगा n का वैल्यू मिलेगा, तो ए एन आपको कितना दिया है 99, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना होगा 3 बाय, इट इज डिविजिबल बाय 3, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो 99 इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका n का वैल्यू कितना आ गया 33, इसको यहां पुट करेंगे
33 बाई 2, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 99। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे ही देखोगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, सारे क्वेश्चन उसी तरह के हैं। क्या क्वेश्चन समझाना है कोई बताओ? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 में एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लो। आपको लगता है सर ये क्वेश्चन समझा दिए, मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको थर्ड भी समझाऊंगा, जस्ट 4, 5, 6, 7, 8 आप किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको लगता है कि सर मुश्किल क्वेश्चन है, मेरे को समझा दीजिए, हम आपको समझा देंगे। किसी को डाउट? इजी दिख रहा है एकदम क्वेश्चंस, एकदम बच्चों की तरह इजी इजी क्वेश्चंस है, तो आप लोग इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। यस, एक बार आपको सेकंड क्वेश्चन में समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कर लोगे आराम से, मुझे मालूम है, स्टिल आपको एक समझा देता हूं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स। हमारे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर थ्री आपका, नेचुरल नंबर का फर्स्ट नंबर क्या होता है? वन। और जब ऑड नंबर की बात करते हैं तो 2, 3, 4 ये सब आपके नेचुरल नंबर होते हैं। और कितने हैं? एन ऑड नेचुरल नंबर्स। आप इसको लिखोगे तो कैसे, लास्ट में कैसे लिखोगे? एन माइनस वन, एन और एन प्लस वन, है ना। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से, 1, 2, 3, 4 और आगे जाते जाएंगे तो क्या है? एन माइनस वन, एन, एन प्लस वन। अब ये बताओ इसमें एन पॉजिटिव होगा, एन इज ऑड और इवन, एन इसमें ऑड होगा इवन होगा? तो वो एक बार फिर से समझाओ। फाइंड द सम ऑफ ऑल एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 आगे जाओगे तो एन माइनस वन, फिर एन और लास्ट में एन प्लस वन, ये हमको लेना नहीं। तो बताओ इसमें से कौन सा नंबर लेंगे? एन लेंगे या एन माइनस वन लेंगे? बताइए। फर्स्ट नंबर तो आपका क्या हो गया? ए वन इक्वल टू वन, डी आपका कितना है? वन। तो मेरा ए एन या मेरी लास्ट टर्म क्या होगा? ये एन होगा या एन माइनस वन होगा? अगर ऑड होगा तो सोच के बताओ। अगर मैं ऑड नंबर की बात करता हूं, अगर मैं ऑड नंबर की बात करता हूं तो व्हाट इज, ये एन होगा या एन माइनस वन होगा? बताइए सोच के। कुछ कहते हैं एन, कुछ कहते हैं, मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। वरुण कहता है एन माइनस वन, शेफाली कहती है एन माइनस वन, रिया भी कहती है एन माइनस वन। या कुछ और भी आ सकता है क्या? मैक्सिमम नंबर एन माइनस वन किया है। तो आपको एक हिंट और देता हूं, ठीक है, एक हिंट और देता हूं। यहां पर किसकी बात हो रही है? ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है।
ऑड नेचुरल नंबर्स, हम ऑड की बात करें, ठीक है। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? वन, थ्री, फाइव, एन, माइनस वन, एन, या एन, एन माइनस वन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या हम एन और एन माइनस वन से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा? या हम एन और एन माइनस वन सिलेक्ट कर सकते हैं? हम कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम कभी भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? एन का वैल्यू वन ले लो। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका तरीका क्या है? ठीक है, ना तो हम एन ले सकते हैं, ना हम एन माइनस वन ले सकते हैं, याद रखना, ना तो हम एन ले सकते हैं, ना एन माइनस वन ले सकते हैं। तो लेना क्या है सर? अब वो देखो क्या लेना है, ठीक है, ना तो एन लेना है, ना एन माइनस वन लेना है। तो देखो लेना क्या है, चलो हमें ए एन निकालना है। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज माई ए एन, व्हाट इज माई ए एन। और ए एन कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपका फर्स्ट टर्म क्या है? वन। आपका ए टू क्या है? थ्री। आपका ए फोर क्या है? ए थ्री क्या आपका? फाइव, ठीक है। इसका मतलब आपका डी क्या है? टू। आपका डी क्या है? टू, ठीक है। डी कितना हो गया आपका? टू। अभी आपका थ्री कैसे बनेगा? थ्री इक्वल टू, जैसे ए टू कैसे बनता है? ए प्लस डी से बनता है, सबको याद है। ए थ्री कैसे बनता है? ए प्लस टू डी से। ये तो एग्री करते हो सब लोग, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ, ए प्लस डी। तो वन, ए वन हमारा कितना है? वन। डी हमारा कितना है? टू। अब इसको लिखते हैं, वन प्लस टू इंटू टू। अगला नंबर कैसे लिखे? वन प्लस थ्री इंटू टू। अगला नंबर कैसे बनेगा? वन प्लस फोर इंटू टू। वन प्लस फाइव इंटू, ऐसी बनेगा, ऐसी बनेगा। इसका मतलब हमारा ए एन कैसे बनेगा? ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। हमारा ए एन कैसे निकलेगा? ए का वैल्यू कितना है? वन प्लस एन माइनस वन। डी का वैल्यू कितना है? टू। तो वन प्लस टू एन माइनस टू, तो क्या बन गया? टू एन माइनस वन। दिस इज माई एनथ टर्म, ए एन इक्वल टू टू एन माइनस वन। अब इसमें तुम एन का कोई भी वैल्यू डाल दो, एन का कोई भी वैल्यू डाल दो, जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा ऑड आएगा, वो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। जैसे एन का वैल्यू फाइव, तो टू इंटू फाइव 10, माइनस वन कितना बन गया? 9। एन का वैल्यू 15, तो 5, 15 टू जा 30, 30 माइनस वन 29। क्लियर है या फिर से समझाओ? ये कंसेप्ट थोड़ा है, क्लियर है या फिर से समझा दूं? अगर ये कंसेप्ट अभी तक किसी को क्लियर नहीं आया तो बता दो, मैं फिर से समझा सकता हूँ, नो इश्यू। तो ये हमने सम तामझाम क्यों किया? हमें ए एन का वैल्यू निकालना है वंस अगेन, ठीक है। फास्ट मूवमेंट में एकदम समझाता हूँ फटाफट, ताकि आप लोगों को तुरंत समझ आए, समझाऊंगा डोंट वरी, ठीक है। वापिस, फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या है? व्हाट इज माय फर्स्ट नंबर? ए वन इक्वल टू थ्री, ए टू इक्वल टू फाइव, ने ए वन इक्वल टू वन, ए टू इक्वल टू थ्री, ए थ्री इक्वल टू फाइव, ठीक है। मैं ए टू कैसे लिखता हूँ? ए प्लस वन डी।
मतलब मेरा क्या होगा, ए ए मेरा कितना 1 प्लस 1 इंटू 2, मेरा डी का वैल्यू कितना है 2, ए थ्री हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस 2D, 1 प्लस 2 इंटू 2, ए फोर ए प्लस 3D, 1 प्लस 3 इंटू 2। उसी तरह जब मेरे को ए एन निकालना है, जो कि हमारा आईपी कैसे बनेगा, ए वन ए टू ए थ्री और लास्ट में जाके ए एन, हमको ए एन निकालना होता है। ए एन कैसे निकलेगा, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D। ए का वैल्यू कितना है 1, एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 2। किसी भी ऑड नंबर के बीच में जो डी कितना होता है 2 होता है, तो ए एन इक्वल टू 1 प्लस 2 एन माइनस 2, तो ए एन इक्वल टू 2 एन माइनस 1। ये पार्ट क्लियर है तो सबको, इजी पार्ट हो गया। अभी से बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड इंटीजर्स। तो अब देखो मेरा ए वन कितना हो गया 1, डी मेरा कितना हो गया 2, ए एन मेरा कितना हो गया, एन मेरा कितना हो गया 2 एन माइनस 1। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड इंटीजर्स, ठीक है, तो मेरा एस एन हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस ए एन, दिस इज माई एन टर्म, एन बाई 2, ए का वैल्यू 1 प्लस 2 एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, एन बाई 2 इंटू 2 एन, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा एस एन कितना आ जाएगा एन स्क्वायर। अब भाई ये मेरा आंसर करेक्ट है गलत है कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ कि भाई मैंने जो निकाला है वो सही है गलत है, ये भी आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, चलिए एस एन मेरा क्या निकला एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एन का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, एन का वैल्यू 2, तो सेकंड वैल्यू कौन सी थी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका मतलब फर्स्ट टर्म कौन सी है 1, सेकंड टर्म कौन सी है 3, फोर्थ टर्म कौन, थर्ड टर्म 5, 7, 9, ये हमारी और टर्म्स है, ठीक है। तो सेकंड टर्म कैसे आएगी आपकी 1 प्लस 3 कितना होता है 4, ये भी कितना है आपका 4, एस 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। चलो पहले तीन डिजिट को प्लस कर लो, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना आएगा 9, तो ऐसे अपना आंसर भी आप लोग चेक कर सकते हो। एस 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो पहली चार टर्म को प्लस कर लो, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना आएगा आपका 16। कोई डाउट, कोई शक, अभी भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप जीरो कर सकते हो। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है 3 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल एन ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सबको क्लियर, किसी को डाउट नहीं है। तो बाकी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 8 आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताना है, 10 मिनट में याद दिला देना, हम वापस रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला और आता है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखो इसने आपको क्या दिया है, इन ए सीक्वेंस द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज दिस, आपको क्या दे दिया, एस एन दे दिया है, आपको क्या दिया है एस एन। आपको पहले 10th क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आपको 9th समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले 10th क्वेश्चन समझाता हूं आपको, एस एन दिया है, एस एन इक्वल टू 5n² प्लस 3n, आपको क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी इज एस एन इक्वल टू 5n² प्लस 3n।
अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, जब भी आपको एस एन दिया हो और आपको एनर्थ टर्म निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है ए एन टू एस एन माइनस एस प्लस, एक फॉर्मूला है इसको याद रखो। ए एन कैसे निकालते हैं, एस एन माइनस वन। अब इसको समझाता हूं, इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, आपको एस एन दिया है, हमको क्या निकालना है, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन। तो जहां जहां पर भी एन है, जैसे यहां पर क्या था, एन था, इसको हमने किस तरह रिप्लेस कर दिया, एन माइनस वन। यहां पर भी फाइव है, एन को किस तरह रिप्लेस करेंगे, एन माइनस वन से, एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री, फिर से एन आ गया, इसको भी रिप्लेस किससे करेंगे, एन माइनस वन। ये लॉजिक आपको क्लियर होना, जहां पर भी एन लिखा है उसको हमको किससे चेंज करना है, जो भी एन है उसको किसमें चेंज कर देंगे, एन माइनस वन, ये आपको करना है। अभी देखो एस एन माइनस वन क्या बन जाएगा, फाइव ब्रैकेट ओपन करेंगे, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन प्लस थ्री एन माइनस वन, बाकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, फाइव एन स्क्वायर माइनस टेन एन प्लस फाइव प्लस थ्री एन माइनस वन, रीअरेंज करेंगे, फाइव एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस फोर, ये किसका आंसर वैल्यू आ गया, एस एन माइनस वन। यहां तक किसी को डाउट है तो आप जीरो टाइप कर सकते हो, एनी डाउट कि एस एन माइनस वन कैसे आया, बहुत इजी कंसेप्ट है, बट ये कई बार काम आता है, ये क्वेश्चन कई बार चार मार्क्स में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन। इट वुड बी थ्री एन माइनस वन, चलिए समझा देते हैं फिर से, वापस मैंने ये कहा जो मेरे को एस एन गिवन है, एस एन मेरे को क्या गिवन है, फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन। जब मुझे एस एन माइनस वन निकालना है तो जहां जहां पर भी एन है मैं उसको रिप्लेस करूंगा एन माइनस वन से, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि जहां पर भी एन लिखा है वहां पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम एक्स और वाई वाले कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हम एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन माइनस वन। जो एन की वैल्यू क्या होती है, वन भी होती है, टू भी होती है, थ्री भी होती है, फोर भी होती है, तो हम क्या करते हैं, एन की जगह वन लिखते हैं, फिर टू भी लिखते हैं, थ्री भी लिखते हैं। यहां पर आपको एन की जगह एन माइनस वन लिखना है, क्या लिखना है, एन माइनस वन। ठीक है, तो हमारा एस एन क्या था, फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, तो जो ये एन है फाइव का तो फाइव रहेगा, एन स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, एन माइनस वन का स्क्वायर, ये याद रखो बस। ये जो एन है, ये जो आपका ये एन आपका इस एन माइनस वन से रिप्लेस होगा, उसी चले जो थ्री एन है आपका, जो थ्री एन है अब एन की जगह क्या जाएगा, एन माइनस वन, इट इज समथिंग लाइक दैट। अगर एस एन आपको दिया है फोर एन प्लस थ्री, मैं कहता हूं एन की वैल्यू वन पुट करो, तो एस एन की जगह क्या करते हैं, वन पुट करते हैं, तो ये होता है फोर इंटू वन प्लस थ्री, कितना आता है सेवन। अब मैं कहता हूं एन की जगह आप लोग पुट करो एन माइनस वन, तो क्या बन जाएगा, अभी एस एन माइनस वन, फोर तो फोर रहेगा, एन की जगह आएगा फोर एन माइनस वन प्लस थ्री, ये करना होता है, इसमें कोई डाउट है, अभी हुआ क्लियर सबको, अभी क्लियर हुआ सबको, सभी भाई बहनों को, आपने सबको तो पहले समझ गया, तो कुछ है पहले वाले, जिन लोगों ने जीरो जीरो टाइप किया था वो पक्का रिप्लाई करो कि हम समझ गए हैं। जिसने जीरो टाइप किया था सबको समझ में आया, अभी चलिए गुड, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्या किया था, n की जगह n माइनस वन पुट किया, अब s n माइनस वन को सॉल्व करेंगे, 5 तो 5 रहेगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो क्या बन गया n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3n माइनस 3, तो 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 5n स्क्वायर, ये देखो माइनस 10n है, ये प्लस 3n है, तो माइनस 7n, ये प्लस 5 है माइनस 3, तो प्लस 2, ये हमारा क्या आ गया एस एन माइनस 1। इसमें किसी को डाउट था? ओके, 5 मिनट बाद 5:40 पे। ठीक है, अभी हम ए एन निकालें, ए एन क्या था एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो एस एन क्या है हमारा ए एन इक्वल टू एस एन, देखो था 5n स्क्वायर प्लस 3n था हमारा एस एन, ये एस एन था हमारा माइनस, ये माइनस करेंगे माइनस, ये क्वेश्चन हो जाएगा तब तक, माइनस 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2, चलिए 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2, 5n से 5n कैंसिल, तो क्या बचेगा 10n माइनस 2, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई ए एन की, 10n माइनस 2। ओके, अब इसने क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म देन फाइंड द nth टर्म, तो हमने nth टर्म निकाल लिया, कोई डाउट कोई शक इसमें, अभी भी कोई डाउट है? नो डाउट्स, गुड, मैं रिकॉर्डिंग सेव करता हूं और फिर से मैं रिज्वाइन करता हूँ, डाउट होगा तो हम रिज्वाइन के बाद डाउट होंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।